सभी दोस्तों को सुनील का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो हाइबिस्कस प्लांट के ऊपर है, जिसे हम हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको इस प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगा कि कैसे इस प्लांट की हम केयर करें और कैसे इस प्लांट को जो है सॉइल मिक्सचर दें, पानी इस प्लांट को कब देना है, कितना देना है और फर्टिलाइज़र क्या क्या इसको प्लांट को पसंद है, और इसके अलावा प्रोपोगेशन इस प्लांट की कब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं इस प्लांट पर कैसे पाएं, इन सब के ऊपर जो है मेरा आज का ये वीडियो है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक का बटन दोस्तों ज़रूर दबाइएगा। इस प्लांट में जो है दो वेराइटीज़ आती हैं, एक देसी गुड़हल आता है और एक हाइब्रिड गुड़हल आता है। दोनों में ही जो है बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, अलग अलग कलर्स के इसमें जो है फ्लावर्स आते हैं। दिखने में ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसके बड़े बड़े जो फ्लावर्स हैं इसके लिए इस प्लांट को जो हम लगाते हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है गुड़हल के दो प्लांट्स हैं। एक दोस्तों ये प्लांट है, ये देसी वैरायटी है गुड़हल की। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इस प्लांट ने जो है फ्लावरिंग करी है, अभी भी इसमें जो है बर्ड्स आई हुई हैं। उसके अलावा दोस्तों मेरे पास ये दूसरी वैरायटी है, इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं। ये दोस्तों मेरे किसी जानकार से मैंने कटिंग ली थी, कटिंग से जो है ये मैंने जो है प्लांट ग्रो किया है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी जो है प्लांट ग्रो कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें बर्ड्स आई हुई हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, किसी भी प्लांट की ग्रोथ जो है उसके सॉइल मिक्सचर और उसके फर्टिलाइज़र पर निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं, बताता हूं क्या केयर है इस प्लांट की। सबसे पहले तो आप जब भी अपना कोई भी प्लांट लगाते हैं तो एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर दीजिए। इसका सॉइल मिक्सचर आप बनाने के लिए उसमें 40% खाद लें, 30% मिट्टी लें और 30% करीब आप रेत लें। ऐसा सॉइल मिक्सचर में पानी जो है बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। खाद की मात्रा ज़्यादा होने से फ्लावरिंग भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये जो प्लांट है काफ़ी हैवी फीडर प्लांट होता है। इसे अपने फ्लावर्स को जो है प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप इस प्लांट को जो है 15 दिन में एक बार बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है वो भी दें, और 15 दिन में एक बार जो है आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में दोस्तों आप गोबर की खाद 2 मुट्ठी 1 लीटर पानी में, या गोबर की खाद ना हो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वो अपना 1 लीटर पानी में भिगोकर 2 दिन के लिए रख दें और अगले दिन इस प्लांट को दें तो फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा इस प्लांट पे होगी। इसके अलावा आप इस प्लांट को 1 चम्मच यूज्ड चाय की पत्ती और केले के छिलके भी इन सबको मिलाकर जो है दे सकते हैं। इससे इस प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगी और फ्लावर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और सबसे बड़ी बात जो है इसकी जो फ्लावर्स का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऐसा फर्टिलाइज़र यदि आप अपने प्लांट्स को देते हैं तो यदि आपके प्लांट्स में जो है बर्ड्स ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी इस फर्टिलाइज़र को देने से ठीक हो जाएगी। उसके अलावा इस प्लांट को जो है पोटाशियम भी बहुत ही पसंद होता है, आप इसे पोटाशियम ही महीने में जो एक बार वो दे सकते हैं दोस्तों। पर अपने प्लांट्स में कभी भी जो है DAP या फास्फोरस का इस्तेमाल जो है मत कीजिए, क्योंकि इनका आप यदि आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट्स पर तो आपके प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने मेरा एक गुड़हल के प्लांट पर मैंने जो है वो फास्फोरस काफ़ी मात्रा में दे दिया था, जिससे जो मेरा प्लांट है वो ख़राब हो गया था। सनलाइट की बात करूं तो वैसे तो इस प्लांट को आप फुल सन में ग्रो कर सकते हैं, पर दोस्तों मई से जुलाई तक की जो बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ती है उससे इस प्लांट को बचाएं, तब इस प्लांट को उस गर्मी से नुकसान हो सकता है। तब आप इस प्लांट को वहां प्लेस करें जहां इसे 3 से 4 घंटे की जो है धूप मिले, और दोपहर की धूप इसको ना मिले, या फिर यदि आपके पास ग्रीन नेट है तो ग्रीन नेट के नीचे भी इस प्लांट को रख सकते हैं, वहाँ भी दोस्तों आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। वाटरिंग की बात करूं तो वैसे तो आप इस प्लांट को जो है डेली पानी दे सकते हैं, पर ध्यान देने की बात यह है कि पानी इसमें आप ज़्यादा ना दें, क्योंकि मिट्टी इसकी दोस्तों सोगी ना हो। ज़्यादा पानी देने से भी दोस्तों ये प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। पानी इस प्लांट को आप जब भी दें तो चेक करके ही दें,
इस प्लांट को दोस्तों रूट बाउंडिंग की जो कंडीशन है वो भी बहुत ही पसंद है। जैसे हमारा बोगनविलिया का प्लांट है उसे भी रूट बाउंडिंग की कंडीशन बहुत पसंद होती है, वैसे ही हमारे इस गुड़हल के प्लांट को भी रूट बाउंडिंग की कंडीशन बहुत पसंद है। इस प्लांट को आप बोगनविलिया प्लांट की तरह ही साइज के अनुसार ही पॉट में लगाएं। जितना ये प्लांट जो है रूट बाउंडिंग रहेगा उतना ही ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छा जो है ग्रो करेगा। इस प्लांट पर जो है स्पाइडर माइट्स या मिली बग्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए आप इस पर जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या आप डिश वॉशर जो है 1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी में घोल कर भी अपने इन प्लांट्स पर जो है स्प्रे कर सकते हैं। प्रोपोगेशन की बात करूँ दोस्तों, ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से जो है प्रोपोगेट हो जाता है। छोटी सी छोटी स्टेम कटिंग भी दोस्तों इस प्लांट की आप लगाते हैं और बहुत आसानी से चल जाती है। आप इवन इसकी कटिंग जो है पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी दोस्तों ये प्लांट जो है ग्रो हो जाता है, इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैंने जो दोस्तों ये अपना ये प्लांट है ये छोटी सी ही स्टेम कटिंग से ही ग्रो किया था। आप देख सकते हैं कितना हेल्दी ये प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, कितने अच्छे जो फ्लावर्स है प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर अपने प्लांट्स की जो है गुड़ाई करते रहे इनमें, इससे ना तो इनमें खरपतवार होगा और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो करेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने सभी आउटडोर प्लांट्स के लिए ये बनाना पील का जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों ये तैयार हो जाएगा अपने सभी आउटडोर प्लांट्स को दूंगा। तो दोस्तों आप भी अपने सभी आउटडोर प्लांट्स के लिए ऐसा ही लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएं, आपके प्लांट्स हेल्दी हों, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।